ये सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी प्रीमियम अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल वीडियो को देखिए, या फिर हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे टेलीग्राम नंबर या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। आरिस बना दिया। आरिस सीजन 1 ये रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर ऑल ओवर इंडिया में 17 जनवरी 2020 को, और ये रिलीज हुई इंग्लिश लैंग्वेज में एज वेल एज इसकी ओरिजिनल डच लैंग्वेज में। सीजन 1 कंसिस्ट करता है 8 एपिसोड का, हर एक एपिसोड लगभग 30 मिनट के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप मात्र 4 घंटे में खत्म कर सकते हैं। स्टोरी फोकस करती है रोजा नाम की लड़की पर, जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, एक बीमार माँ के साथ रहती है, पिता है जो कि हमेशा काम में बिजी रहते हैं, तो ज्यादातर इन्हें ही अपने माँ का ख्याल रखना पड़ता है। सो रोजा कहीं ना कहीं इन सभी जिम्मेदार के बीच में फंसी पड़ी है। तभी इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्हीं के स्कूल के एक रहस्यमय संगठन से जुड़ने का, जिसका नाम है एरिस सोसाइटी। एक पल के लिए इनको लगता है कि इस सोसाइटी के थ्रू शायद रोजा अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकती है और वो सब चीजें पा सकती है जिसकी इनको जरूरत है। बट लिटिल डस शी नो, जब ये सोसाइटी ज्वाइन करती है तो इन्हें पता चलता है कि इस एरिस सोसाइटी के अपने ही कुछ राज हैं, एक ऐसा राज जो कि एक मिस्टीरियस डार्क पावर की तरफ इशारा कर रहा है। सो क्या है ये डार्क फोर्स और आखिरकार ये डार्क फोर्स क्या चाहती है? सिर्फ इसी स्टोरी को अगेन बहुत ही स्लो पेस पर एक्सप्लोर करती है ये सीरीज, जिसका नाम है एरिस सीजन 1। शराब, शराब कहाँ से आ गया? ये तो एरिस सीजन 1 है, डच सीरीज है भाई, शराब का क्या लेना देना इससे? मतलब ये तो हॉरर सीरीज है, राइट? ओके, अब कम टू द पॉइंट, शराब। शराब आप किसी भी शराबी से पूछे कि भाई तुम शराब क्यों पीते हो, ओके, सो उसका एक ही जवाब आएगा, किसी भी शराबी का एक ही जवाब आएगा, भाई जब शराब पीते हैं हम तो चंद लम्हों के लिए ही सही, मिनटों के लिए या घंटों के लिए ही सही, हम जितने भी दुख दर्द हो, चाहे वो प्यार के दुख दर्द हो, फिनेंशियल दुख दर्द हो, धोखेबाजी का दुख दर्द हो, किसी भी तरीके का दुख दर्द हो, चंद मिनटों के लिए, लम्हों के लिए या घंटों के लिए ही वो सारे दुख दर्द इंसान भूल जाता है शराब पीने के बाद। क्यों इतना पीने के बाद भी उसकी याद हमेशा आती है दिन रात? क्यों? अब आप पूछेंगे कि इसका सीरीज से क्या लेना देना? वो ये है कि कुछ ऐसी ही चीज जो हमसे जुड़ी है, जिसको हम अलग करना चाहते हैं मगर अलग नहीं कर पाते, ओके, स्पॉइलर की वजह से मैं नहीं बताऊंगा, बट कुछ उसी चीज को अपने बॉडी से अलग करने के बारे में ये सीरीज है। एग्जैक्टली दुख या दर्द नहीं है, वो क्या है वो मैंने इस सीरीज के स्पॉइलर रिव्यू यानी कि एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में पूरा डिस्क्लोज किया है, जो कि आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी गई है। ओके, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। अरे सीजन 1 एक एपिसोड मात्र आधे घंटे का है, बट ट्रस्ट मी वो आधा घंटा भी एक घंटे के बराबर लगता है। ये सीरीज इतनी स्लो है और आप इसे सिर्फ इसीलिए देखते हैं इतनी स्लो होने के बाद में भी कि यार आधा घंटा यार देख लेते हैं क्या जाएगा, यार हॉरर सीरीज है, कुछ ना कुछ हॉरर देखने को मिलेगा। बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसे इसलिए देखना चाहते हैं कि एक हॉरर सीरीज है, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आप हाईली डिसअपॉइंट हो जाएंगे। सो बेसिकली सीरीज स्लो है, हॉरर जो एलिमेंट था वो था नहीं बेसिकली, अगर आपको यू नो भूता चेहरे या मारना काटना वगैरह है तो वो सब इस सीरीज में नहीं है। हाँ, एक दो मोमेंट्स पे है, बट दैट इट इज नॉट दैट मच इम्प्रेसिव कि जहां पर हम लिटरली एक मारकाट वाली हॉरर या एक तरीके से एक्शनेबल हॉरर मूवी के साथ में कंपेयर कर सके। ये एक तरीके से स्लो पेस्ड हॉरर सीरीज है, मोर लाइक मोर थ्रिलर एंड मोर सस्पेंस। सो इसीलिए आधे घंटे के होने के बावजूद भी, स्लो पेस्ड में होने के बावजूद भी, ज्यादा हॉरिफिक सीन्स या हॉरर सीन्स ना होने के वजह से ये सीरीज काफी स्लो लगती है। सीरीज की लीड कैरेक्टर रोजा है, मगर ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड में हम एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं और उनके पास्ट में जाते हैं, जो कि अगेन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में दही बना देता है कि यार ठीक है, लीड कैरेक्टर के बारे में बताओ, उसके स्टोरी के बारे में बताओ, आप हर एक कैरेक्टर के स्टोरी के बारे में क्यों बता रहे हो? ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड किसी न किसी एक कैरेक्टर पे फोकस करता है, और मेरे ख्याल से यही सीरीज का सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, इसका यू नो हॉरर स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था, जब हर एक कैरेक्टर के बारे में हम डीप में जानते हैं कि ऐसी क्या रहस्यमय चीजें हैं जो डीप डाउन उन्होंने अपने दिमाग में या मन के अंदर दबा के रखी है, जब हम उस मिस्ट्री या उस सस्पेंस को खुलता हुआ देखते हैं
तब हमारा सीरीज में इंटरेस्ट रखता है। एंड कहीं ना कहीं जब इतने कैरेक्टर्स के बारे में हमें कुछ ना कुछ पता चलता है कि इसने ये राज दबाया, इसने ये राज दबाया है, तो इन दी एंड वी वांट टू नो कि आखिर हर एक बंदे ने राज दबाया है तो ये किस किस तरफ इशारा कर रहा है, एक्चुअल में जो सीरीज का आउटपुट आएगा वो क्या आउटपुट आएगा। एंड इन दी एंड बेसिकली वी वांट टू नो यार ऐसी क्या चीज है जो छुपी पड़ी है आर्य सोसाइटी के बारे में जिससे सब लोग इतना डरते हैं। सीरीज का ट्रेलर काफी अच्छा था, इनफैक्ट जो चीजें ट्रेलर में थी वही सीरीज में भी थी, और वो था एक स्लो किलिंग वाइब वाला थ्रिलर हॉरर फीलिंग, बट ये इतनी स्लो हो जाती है और ऑलमोस्ट लाइक वो हॉरर हमें देखने को नहीं मिलता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो अगेन कहीं ना कहीं उसमें भी हम थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हाँ, मगर दूसरी तरफ ये देखिए कि स्लो सीन में एक थोड़ा खतरनाक बैकग्राउंड म्यूजिक अगर सुनने को मिले और वो सीन जो कि एक मिनट में खत्म हो जाना चाहिए उसको चार मिनट तक लेके चले जाते हैं, वी आर लाइक ठीक है ना यार कुछ दिखाओगे, आई मीन लाइक कम ऑन नेटफ्लिक्स, आपको 1.5 का स्पीड नहीं इसको 2.5 का स्पीड देना चाहिए था ताकि आधा घंटा हम 7 मिनट में खत्म कर देते। सो कंटिन्यूसली एक टेंस एनवायरमेंट बनाया गया है, बट एक टेंस एनवायरमेंट बनाने के बाद में कुछ शॉकिंग रिवील करना चाहिए था हमें, बट जो एंड रिजल्ट हम देखते हैं एंड वी आर लाइक व्हाट क्या देख लिया, आई मीन आई कैनॉट टेल यू बिकॉज ऑफ स्पॉयलर, बट इन दी एंड द एंडिंग वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइंग। मेरी तरफ से तो मुझे सेटिस्फाइंग एंडिंग बिल्कुल नहीं लगी। ओनली थिंग दैट दिस सीरीज ऑफर्स यू इज लाइक बीच बीच में कुछ ऐसे खतरनाक चीजें उठा के डाल दी गई, यू नो व्हाट, ये अचानक से ये सीन हो गया 10 सेकंड के लिए, ओके फाइन यार अब मेरा इंटरेस्ट आ गया, अब मैं सीरीज देखूंगा, यू नो व्हाट बाकी के 29 मिनट्स एंड व्हाट 45 सेकंड्स में कुछ भी देखने को मिलता है, फिर भी आप दूसरा एपिसोड पे जाते हैं यू नो लाइक 10 सेकंड के लिए कुछ देखा, ओ फाइन, एंड देन अगेन द सेम थिंग बाकी के एपिसोड में आप कुछ भी नहीं देखते, एंड दिस गोज ऑन टिल द एंड ऑफ द सीरीज। सो पहली बार ऐसा लग रहा है कि आधे घंटे की एक एपिसोड होने के बाद में भी, 4 घंटे में पूरी सीरीज खत्म होने के बाद में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि 4 घंटे की भी जरूरत नहीं थी, इसे एक मूवी बना देना चाहिए था एंड पार्ट 2 बना देना चाहिए था और 2 घंटे में ये सीरीज को खत्म कर देना चाहिए था। तो इस सीरीज की एंडिंग सीजन 2 की तरफ इशारा करती है, बट क्योंकि सीजन 1 ने उतना हमें इम्प्रेस नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि हमारा सीजन 2 में भी इंटरेस्ट होगा, बट बहुत सारी चीजें हैं जो ये सीरीज सीजन 2 में दिखा सकती है हमें, यानी कि बहुत सारी मिस्ट्रीज है जो अभी तक हमें डिस्क्लोज नहीं की गई है। सो भैया ये तो कन्फर्म है कि इसकी सीजन 2 तो जरूर आएगी। सो मैं क्या चाहता हूँ, आप देखे नहीं देखे मेरी राय है भाई, आई डोंट थिंक सो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज को देखें, बट टाइम आपका है और नेटफ्लिक्स आपका है, सब्सक्रिप्शन आपकी है, तो आपको देखना है, देखो मेरा क्या जाता है। सो दोस्तों इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 5 out of 10, बट वेट 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 कहीं मत जाइए, अगर आपको ये सीरीज की एंडिंग समझ में नहीं आई है, बहुत सारी मिस्ट्रीज अगर क्लियर नहीं हुई है और बहुत सारे सवाल हैं आपके भेजे के अंदर जिसके जवाब चाहते हैं, तो इस सीरीज का एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो सारे सवालों के जवाब भी हमने दे दिए हैं जो कि आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी गई है यार, प्लीज देख लो यार, मेहनत करता हूं वीडियो बनाता हूं तो एक देखी लो। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की सीरीज आरिस सीजन 1 का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, एमेजॉन हॉटस्टार, एप्पल टीवी प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर्स अगर पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ फैंटास्टिक डे।